भी मैं नहा ली हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो यहाँ कर रही हूँ मैं सुबह सुबह की साफ़ सफ़ाई, और सुबह सुबह का मॉर्निंग मेरा जो रूटीन रहता है वो है। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल रही थी, तो सामान सारा सेट करके आंगन, ये आंगन है हमारा, और आंगन में झाड़ू निकाल रही थी मैं। तो झाड़ू लगा रही थी साथ में, और साथ में सारा जो साफ़ सफाई का जो सामान रहता है, सफाई करने वाला और जो सामान सेट करने वाला होता है, वो मैं कर रही थी साथ साथ में। और इस टाइम मेरा बेटा घूमने गया था अपनी दादी जी के साथ, और मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रही थी उसके जाने के बाद, क्योंकि वो जब रहता है तो इतनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई होती नहीं है, क्योंकि वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा कचरे को इधर उधर करता रहता है। तो वो गया हुआ था और मैं पीछे से उनकी साफ़ सफाई कर रही थी। तो यहाँ मैं पानी से छिड़काव कर देती हूँ आंगन में, ताकि थोड़ा सा गीला आंगन हो जाए तो पोछा लगाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो साथ में मैंने जो मटके हमारे पानी के जो बर्तन थे वो मैंने भरने थे, वो साथ में मैं भर रही थी। और साथ में जितना भी पानी का काम था यहाँ का, मैंने सारा अभी किया है। जैसे कि ये हमारी टंकी है जिसमें फ़िल्टर होता है पानी, तो वो मैं ऊपर वाली टंकी को उस पाइप से भरूँगी, और जो वो पानी फ़िल्टर हुआ है वो मैं मटके में डाल दूँगी। और ये मटके के बर्तन हैं, ये मैंने धोए थे, और ये एक और बड़ा हमारा पानी का बर्तन है, वो भी मैंने भर दिया था इसी टाइम। पानी का जितना भी काम है वो हम सुबह सुबह ही करते हैं, जैसे पानी जिसमें भरना हो, या फिर जैसे आज मशीन नहीं लगाई कपड़े धोने वाली, नहीं तो कपड़ा भी धोते हैं तो इसी टाइम ही धोना होता है। तो यहाँ का जो काम है वो अभी इसी टाइम ही होता है, जैसे पोछा लगाने से पहले पहले हो जाता है, उसके बाद ही पोछा लगता है। और यहाँ मैंने सारे बर्तनों को धोकर, उनके ढक्कन थे वो भी मैंने धो कर के उनको लगा दिया था, और ये भी मैंने धोया था, क्योंकि ये 2-3 दिन से पड़ा था, नहीं धोया मैंने 2-3 दिन से, पानी पड़ा था। तो पानी में जो हल्का हल्का रेत वगैरह होती है वो नीचे जम जाती है, तो उसको भी मैंने धो दिया। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, तो यहाँ मिट्टी हो जाती है तो वो मैंने अभी सुखा दी, और ये यहाँ पर पानी डाला हुआ है तो ये गीला गीला लग रहा है, और ये बाद में मैं पोछा लगा दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। सुबह सुबह नाश्ते में बस चाय बनती है, तो चाय बनाई थी सुबह सुबह वही है, और साथ में मैंने तो बिस्किट खा लिए थे, राघव ने भी खा लिए थे। मम्मी सीधी चाय लेते हैं, तो आज राघव के दादाजी घर पे नहीं हैं। मैंने ये यहाँ पर पोछा लगा कर फिनिश कर दिया था। इसके बाद यहाँ बाहर हमारी गली है ये, और यहाँ पानी डाल देते हैं, ताकि यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है इधर उधर से। यहाँ पर ये कच्ची जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो यहाँ पर पानी डाल देती हूँ मैं रोज़। और ये अभी मैं रसोई में आ गई हूँ, और रसोई में बर्तन साफ़ करने के लिए पड़े थे, क्योंकि सुबह का जो चाय वगैरह बनाई थी, या फिर कुछ और बर्तन हो जाते हैं दूध वगैरह के, वो सब बर्तन मैं इसी टाइम साफ़ करती हूँ। और यहाँ साथ में मैं अपनी दीदी, बड़ी दीदी का कॉल आया हुआ था, साथ में छोटी वाली का भी कॉल आया हुआ था, कॉन्फ्रेंस में थी दोनों, तो उनके साथ साथ में मैं बातें कर रही थी, और साथ साथ में मैंने सारा रसोई का जितना भी काम है वो उसी टाइम किया था। उनका फ़ोन आते आते ही मैंने बातें करते करते कर लिया सारा काम। तो अभी सारे बर्तनों को मैंने सर्व लगा दी है, और बाद में धो करके टोकरी में डाल दूँगी। यहाँ पर टोकरी पास में रखी है सिंक के, तो पानी भी यहीं से निकल जाता है। खाना बनाने से पहले रसोई की साफ़ सफाई हो जाती है, बर्तन साफ़ होते हैं, उसके बाद पूरी रसोई में पोछा लग जाता है, पूरी रसोई साफ़ हो जाती है साथ साथ में, तो आसानी से काम सारा निपट जाता है। तो यहाँ मैंने साथ साथ में बर्तन धो रही थी, और साथ में मैंने जो जैसे कि कोई सब्ज़ी वगैरह गर्म करनी हो रात की, या फिर दूध वगैरह गर्म करना हो, पहले का दूध हो वो गर्म करना हो, वो मैं साथ साथ में किए जा रही थी।
तो यहाँ दूध वाला आ गया था तो मैं दूध लेकर आई हूँ। और पहले का दूध है जो वो गर्म हो चुका था तो वो मैंने नीचे उतार दिया और ये वाला रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। तो आलू के साथ मैंने प्याज और टमाटर को भी डाला है साथ में थोड़े थोड़े कट करके। तो यहाँ पर मैं आलू वगैरह को काट रही थी, साथ में दीदी से बातें कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काट ली है और यहाँ से मैं अब इसको छोंक लगाऊंगी। तो अभी मैंने गैस को ऑन किया है और आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ सब्ज़ी। वैसे हमारे यहाँ छोटे छोटी देसकी में सब्ज़ी बनती है। और अभी मैंने सारा सामान यहाँ पर रख लिया तैयार करके और फिर मैंने जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे मैंने सारा सामान है वो यूज़ किया। और पहले मैंने प्याज को छोंक दिया है, उसके बाद मैंने टमाटर डाले और उनको मिक्स करके फिर उनको भूना और फिर मैंने जो है मसाला डाला, पानी डाल करके उसको ढक दिया और फिर मैंने आलू और के जो बाद में पानी डालना होता है वो पूरा पानी बाद में मैंने डाला। तो ये सब बना करके मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए। फुल आंच पर मैंने उसको उबाला। तब तक जब तक ये उबल रहा है तब तक मैंने आटा बना लिया। आटा को बना करके मैंने रख दिया ढक करके 15 मिनट के लिए, क्योंकि इस बार आटा ऐसा है कि इसको थोड़ी देर रखना पड़ता है, नहीं तो ये इसकी रोटी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर आटा जो मैं जब मैं बना रही थी तो यहाँ पर सूखा आटा बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, तो वो मैं साफ़ करके और रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर जब तक ये सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने अपने बेटे को कीवी काट करके दिया है। इसके चोट लगी हुई है, इसका भी ब्लॉग मैंने थोड़ा सा बना के डाला था उस दिन। तो ये भी आपने कार्टून देख रहा था तो यहाँ मैंने इसको कीवी काट कर दे दिया। अभी मैं बना रही हूँ रोटी, 15-20 मिनट हो चुके थे तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाई थी उस टाइम मेरी बेटा और उसके दादी जी आ चुके थे घर पे, तो साथ में वो बैठे थे और बातें कर रहे थे। मैं मम्मी दोनों बातें लगी हुई थे, साथ में मैंने खाना बनाया। तो अभी मैंने खाना पूरा बना लिया है, रोटियां बना ली हैं और अभी मैं उसको घी लगा के टिफ़िन में रख रही हूँ। साथ में हम बातें कर रहे हैं और साथ में मैंने काम फिनिश कर लिया पूरा और सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी थी। तो अब मैंने सब्ज़ी को भी बंद कर दिया है और खाना बन चुका है हमारा। और यहाँ बर्तन भी धुल चुके हैं, पूरी रसोई भी क्लीन हो चुकी है, रसोई का काम पूरा फिनिश हो गया। अब मैंने गीज़र को ऑन किया है पानी गर्म होने के लिए। जब तक हमारा गीज़र ऑन है, पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर लेते हैं अपने कमरे की, क्योंकि सुबह से कमरा मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, जैसे था वैसा ही पड़ा था। तो अभी मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ, अपना जितना भी सामान बिखरा हुआ है, ये कपड़े हैं जो मैं कल धोए थे मैंने, वो वैसे के वैसे रखे हुए हैं क्योंकि कल टाइम नहीं मिला इनको समेटने का। तो आज मैं अब समेट रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम है। तो मम्मी के कपड़े हैं ये, मैं उनके कपड़े समेट करके उनके कमरे में रखूँगी। और ये राघव के कपड़े हैं और ये थोड़े पापा जी के भी थे तो उनके अलग अलग अपनी जगह रखाई मैं। और यहाँ थोड़ा इधर उधर सामान बिखरा था वो भी मैंने सारा साफ़ कर दिया। तो अभी ये कमरा मैंने पूरा क्लीन किया है, पूरा तो नहीं बस थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने साफ़ कर दिया। तो अभी पानी गर्म हो चुका था तो मैं जा रही थी नहाने, उसके बाद मैंने राघव को भी नहला दिया और बाद में हमने खाना खाया। अभी मैं नहा ली हूँ और मेरा बेटा भी नहा लिया है। हेलो, तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद मैंने राघव को सुला दिया। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।